दोस्तों, कई बार हम मनुष्य अनजाने में केवल अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहता है। स्वार्थ से भरा हुआ कर्म आपको कुछ देर के लिए तो फायदा दे सकता है, लेकिन ऐसा कर्म करने के बाद हमारा मन हमेशा दुखी रहता है, पछतावे से भरा रहता है। हम में से कई लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि दूसरों को दुख देकर, दूसरों को दुखी करके उनसे लाभ हासिल करना आपके जीवन को कभी भी सुखी नहीं बना सकता। यदि आप वास्तविकता में सुख चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप दूसरों को कभी दुख ना पहुंचाएं, बल्कि उनके सुख की कामना करें, क्योंकि जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं ठीक वही कर्म हम तक वापस लौट कर आते हैं। यदि आपने किसी को सुख पहुंचाया होगा तो सुख ही आपके जीवन में वापस लौट कर आएगा, और वहीं पर यदि आप किसी के दुख का कारण बनते हैं तो आपके जीवन में दुख ही लौट कर आएगा। ऐसा एक गुरुवर अपने सभी शिष्यों को उपदेश देते हुए कह रहे थे, और वहां पर उपस्थित सभी शिष्य भी उन गुरु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी एक शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, हम जहां पर रहते हैं इस कुटिया के चारों ओर ढेरों सारे पेड़ और पौधे हैं, और इनसे गिरने वाले सड़े गले पत्तों के कारण चारों तरफ ढेर सारे मच्छर हो चुके हैं। वह मच्छर रात भर हमें सोने नहीं देते, हमें परेशान करते रहते हैं। हम उन मच्छरों को मारना तो नहीं चाहते, लेकिन यदि हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वह हमें चैन से सोने नहीं देंगे। इस कारण हमें मजबूरीवश उन्हें मारना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक किसान भी जब अपनी फसल के लिए खूब मेहनत करता है तो वह चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो, उसे लाभ पहुंचे, लेकिन कुछ जानवर उस फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उस किसान को और भी मशक्कत करनी पड़ती है ताकि वह अपनी फसल को बचाकर रख सके। और ठीक इसी प्रकार एक धनी सेठ भी अपने कारीगरों से अच्छे तरीके से काम लेने के लिए उनसे और अधिक मेहनत करने के लिए कहता है, और कभी कभी तो उन्हें डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, जिस कारण उन कारीगरों का मन दुखी हो जाता है। इसलिए हे गुरुवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आखिर अच्छा और बुरा कर्म क्या होता है? यदि हम मच्छरों को नहीं मारेंगे तो वह हमसे दूर नहीं जाएंगे और रात भर हमें यूं ही परेशान करते रहेंगे। और ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनसे हम मनुष्यों को खतरा होता है। यदि हम अपने प्राण बचाने के लिए उन्हें नहीं मारेंगे तो वह हमें मारकर खा जाएंगे। उन गुरु ने अपने उस शिष्य की सारी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, तुम्हें वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? तभी एक शिष्य कहता है, हे गुरुवर, यह तो बहुत विशाल वृक्ष है। तभी दूसरा शिष्य कहता है, हे गुरुवर, इस वृक्ष पर तो बड़े ही मीठे और अच्छे फल भी लगते हैं। तभी तीसरा शिष्य कहता है, हे गुरुवर, इस विशाल वृक्ष के नीचे हमें बहुत ही शीतल छाया भी मिलती है। इसी प्रकार चौथा शिष्य भी कहता है, हे गुरुवर, इस पेड़ की लकड़ियां बहुत कीमती हैं और बाजार में इनकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। उन गुरुवर ने अपने सभी शिष्यों के जवाब ध्यानपूर्वक सुने, और उसके बाद वह अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम सभी ने अलग अलग उत्तर दिए, तुमने अलग अलग नजरिए से इस वृक्ष को देखा, लेकिन तुमने क्या एक चीज पर और गौर किया? इस वृक्ष पर बड़े बड़े कांटे भी लगे हुए हैं, और ऐसे में मान लो यदि कोई लकड़हारा इस वृक्ष को काटने के लिए यहां पर आता है और गलती से उसे इस वृक्ष का कांटा लग जाता है, तो इसमें क्या इस पेड़ की गलती है? क्या वो इस पेड़ का एक बुरा कर्म कहलाएगा? उन गुरु के इतना कहने के बाद वे सभी शिष्य चिंता में पड़ गए। वे सभी इस बात पर विचार करने लगे। तभी आगे वह गुरुवर
अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि प्रकृति ने इन पेड़ पौधों को भी ताकत दे रखी है ताकि यह खुद की रक्षा कर सके, खुद को लोगों से बचा सके। और ये कांटे इस वृक्ष पर इसी कारण उगे हैं ताकि यह इस वृक्ष की रक्षा कर सके। और मान लो कि यदि अपनी रक्षा करते हुए किसी के लिए बुरा कर भी देता है तो यह इसके लिए बुरा कर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका सर्वोत्तम कर्तव्य तो यही है कि वह पहले खुद की रक्षा करे, क्योंकि जब तक यह खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा तब तक यह तुम्हें मीठे फल कैसे देगा, तब तक यह तुम्हें छाया कैसे प्रदान करेगा, तब तक यह तुम्हें महंगी लकड़ी के तौर पर कैसे मिल पाएगा। इसलिए खुद की रक्षा के लिए किया हुआ कर्म कभी बुरा नहीं होता। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं, यह जीवन एक धुंध है जहां अच्छे कर्म और बुरे कर्म आसानी से साफ नजर नहीं आते, और इसी कारण तुम अच्छे कर्म और बुरे कर्म के भीतर फर्क नहीं कर पाते, एक सही निर्णय नहीं ले पाते। और यदि तुम एक सही निर्णय पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि जब आप किसी जंगल में किसी शेर को एक जंगली भैंसे का शिकार करते हुए देखते हैं, तब आपके मन में उस जंगली भैंसे के प्रति दया उमड़ती है। वहीं पर दूसरी तरफ शेर के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा हो जाती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि शेर का शिकार तो जंगली भैंसा ही है। यदि वह उसका शिकार नहीं करेगा तो उसे भूखा रहना पड़ेगा, और हो सकता है कि भूख के कारण वह अपनी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में शेर गलत कैसे हो सकता है? इस प्रकृति के कुछ नियम और कानून हैं, और यह प्रकृति अपने उन्हीं नियम और कानूनों पर चलती है। आपने कभी ना कभी यह तो सुना ही होगा कि अहिंसा परमो धर्म, ये बात तो आपको शास्त्रों में देखने को मिल ही चुकी होगी। और हम सब ने यह भी सुना होगा अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन तब तक जब तक की बात आपकी सुरक्षा पर नहीं आ जाती। लेकिन जैसे ही आपके सामने आपकी सुरक्षा को खतरा नजर आता है तब एक इंसान को अहिंसा त्यागनी ही पड़ती है। अगर वह वहां पर अहिंसा को नहीं त्यागता और हिंसा को नहीं अपनाता तो उसे लोग कायर कहते हैं। गुरुवर सभी को समझा ही रहे थे कि तभी बीच में एक शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो क्या मांस खाना सही है? क्योंकि हम इंसान भी तो अपनी सुरक्षा के लिए अपना पेट भरने के लिए ही मांस खाते हैं, और यदि हम अपनी भूख नहीं मिटाएंगे तो हम भी भूखे ही मर जाएंगे। और यदि इस प्रकार से देखा जाए तो मांस खाना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तो यह अपनी सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, भंते, एक जंगली जानवर के लिए मांस खाना बिल्कुल उचित है, क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसे क्या खाना बनाना आता है? लेकिन हम मनुष्य के पास तो तरह तरह के विकल्प हैं। हम तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मांस खाते हैं, और अपने ही स्वार्थ के लिए किसी असहाय किसी बेजुबान प्राणी की हत्या कर देते हैं। तो क्या यह उचित है? हाँ, यदि तुम्हारे पास अर्थात हम मनुष्य के पास कोई विकल्प ना होता तो मांस खाना हमारे लिए भी एक उचित मार्ग होता। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक कहानी बताते हैं। वे कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो चोरी करके अपना पालन पोषण किया करता था। उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी, किंतु अच्छी बात यह थी कि गांव में किसी को नहीं पता था कि वह युवक एक चोर है। एक दिन की बात है, उस चोर की माँ अत्यधिक बीमार पड़ गई। वह तुरंत ही अपनी माँ को एक चिकित्सक के पास ले गया। चिकित्सक ने तुरंत ही उस चोर से कहा, तुम्हारी माँ को जो तकलीफ है, जो बीमारी है, उसका इलाज करने के लिए अत्यधिक पैसों की आवश्यकता है, और इसके लिए महंगी महंगी दवाइयां भी लगेंगी। इसलिए तुम जल्द से जल्द धन का प्रबंध करो।
तभी वह चोर ये तय करता है कि आज ही वह घर के सबसे धनी सेठ के घर में चोरी करेगा। रात्रि के वक्त वह उस धनी सेठ के घर में घुस जाता है और चोरी करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने लगता है। लेकिन उस चोर की बदकिस्मती कि आज ही उसकी चोरी पकड़ी गई। ये बात और थी कि गांव में किसी को नहीं पता था कि वह एक चोर है। तभी वसेठ उस चोर से कहता है, आज तक तो तुमने कभी चोरी नहीं की, फिर आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुम्हें चोरी करनी पड़ रही है। यह सुन वह चोर तुरंत ही उन सेठ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और कहने लगा, सेठ मेरी माँ बहुत बीमार है और इसके इलाज के लिए मुझे महंगी महंगी दवाइयाँ और महंगी उपचार की आवश्यकता है और इसी कारण मैं आज आपके यहाँ पर चोरी करने आया था। यदि उसका तुरंत इलाज ना हो सका तो वह बच नहीं पाएगी। उस सेठ ने उस युवक की बात मान ली। वह तुरंत ही चिकित्सालय गया। उसने वहां पर उसकी माँ को देखा, उनका हाल जाना और तब उसे यह यकीन हो चुका था कि वह युवक सच कह रहा है। यह युवक अपनी माँ को बचाने के लिए ये चोरी कर रहा था, इसलिए उसने उस चोर को माफ कर दिया। तभी आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में यही तो कर रहे हैं। गलत कर्म हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा ये गलत कर्म लोगों के सामने आ जाता है या पकड़ा जाता है, उस दिन हमारे पास कोई न कोई बहाना जरूर होता है कि आज मैं इस कारणवश यह कर्म कर रहा हूं। ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे यह कर्म करना पड़ रहा है। जैसे कि तुमने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि यदि हम उन मच्छरों को नहीं मारेंगे तो वे मच्छर हमें चैन से सोने नहीं देंगे। लेकिन तुम एक मनुष्य हो, तुम्हारे पास अनेक प्रकार के विकल्प हैं। यदि तुम चाहो तो एक मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे तुम उन मच्छरों से भी बच जाओगे और तुम्हें उन मच्छरों की हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो आप बुरे कर्म करने से बच सकते हैं और तुम्हें हिंसा करने की कोई आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी। शेर एक जानवर होता है जिसके पास कोई बुद्धि नहीं, ना ही उसके पास कोई विकल्प है और ना ही कोई संसाधन। उसे तो बस इतना पता है कि उसे अपना पेट भरना है, अन्यथा अगर वह अपना पेट नहीं भरेगा तो उसे भूखा मरना पड़ेगा। इसलिए उसकी यह मजबूरी हो जाती है कि वह जंगली भैंसे का शिकार करे और उसे मार कर खा जाए। लेकिन हम मनुष्य के पास तो बुद्धि भी है, विवेक भी है और संसाधन भी हैं और तरह तरह के विकल्प भी हैं, और उनके बावजूद भी यदि हम गलत कर्म करते हैं तो उसके लिए कोई भी तर्क, कोई भी बहाना उस गलत कर्म को सही कर्म में नहीं परिवर्तित कर सकता। जैसा कि तुमने कहा था कि एक सेठ को अपने कारीगरों से काम लेने के लिए कभी कभी उन्हें डांटना और फटकारना भी पड़ता है, जिस कारण उन कारीगरों के मन में दुख उत्पन्न होता है। वह कारीगर यदि चाहे तो उन कारीगरों से प्रेम भाव से भी अपने सभी कार्य अच्छी तरह से करवा सकता है, लेकिन वह सेठ अहंकारवश अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वह अपने कारीगरों को डांटता है और फटकार लगाता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और अपने कारीगरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और बाद में वह हमसे बहाने भी बनाता है। वह यह तर्क भी देता है कि यह तो मेरी मजबूरी थी, यदि मैं उन्हें डांटता नहीं तो वे लोग सही से काम ही नहीं करते। मेरा तो यही कर्म है, अगर मैं इसे अच्छे से ना करूं तो फिर परमात्मा बुरा मान जाएगा। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्य को एक बार फिर से समझाते हुए कहते हैं कि अपने गलत कर्म को कभी भी सही साबित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि जब आप किसी गलत कर्म को सही साबित करने का प्रयास करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अहंकारी हैं जो अपने आप को सभी के सामने सर्वश्रेष्ठ और सही साबित करना चाहते हैं, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम दूसरों के सामने नीचे दिखें, दूसरों के सामने गलत साबित हो जाएं। इसलिए आपके मन के भीतर से हमेशा एक आवाज आती है, जब भी आप कोई गलत कर्म करते हैं तो आप यही सोचते हैं कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूं बल्कि सामने वाला गलत है, और इसी कारण आप जाने अनजाने अपने अहंकार को भी
बढ़ावा देने लगते हैं। यदि आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो उस गलती को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जब तक आप उस गलती को नहीं स्वीकारेंगे आप उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे, आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे और भविष्य में आपसे बार बार वो गलतियां होती ही रहेंगी। किंतु यदि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, उससे सीखते हैं, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं और भविष्य में आपके द्वारा फिर वह गलती कभी नहीं दोहराई जाएगी। वह गुरु अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि तभी एक शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, और मान लीजिए कि यदि हमसे अतीत में कोई गलत कर्म हुआ है तो क्या हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं? क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? कृपया करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। तभी वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसा इंसान जिसे यह पता है कि उसने गलती की है और उसने अपनी इस गलती को स्वीकार कर लिया है, तो वह एक बहादुर इंसान है, क्योंकि हर कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे किसी के सामने नीचा साबित नहीं होना, उसे किसी के सामने गलत साबित नहीं होना। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम इंसान एक गलती का पुतला ही तो हैं। अगर हम गलतियां करेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? हमारा विकास कैसे होगा? गलतियां करके ही एक इंसान अपनी गलतियों से पार हो जाता है। किंतु इसका मतलब यह भी नहीं कि आप एक ही गलती बार बार करते जाएं। यदि कोई व्यक्ति एक गलती एक बार करता है तो वह माफ की जा सकती है, लेकिन वहीं पर वह व्यक्ति एक ही गलती को बार बार करता रहता है तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति बेहोशी में अपना जीवन जीते हैं और ऐसे व्यक्तियों का विनाश भी निश्चित ही है। आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहरा सकते। हाँ, आप कुछ नई गलतियां जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसी कारण तो आपके साथ कुछ नई गलतियां हो रही हैं। किंतु यदि आप उस गलती से सीखते हैं और उसमें सुधार करते हैं तो आपका विकास होना भी तय है। गलतियां हमें जीने की सही राह दिखाती हैं, हमारे जीवन में अनुभव जोड़ती हैं, और जितना अनुभवी एक इंसान होता जाता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेज होती जाती है, उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। अतीत की गलतियों का बोझ कभी भी अपने मन पर नहीं रखना चाहिए, जिस कारण हमारा मन शोक में डूब जाता है, हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहने लग जाते हैं। हमें तो अपना जीवन उमंग और उत्साह के साथ जीना चाहिए। हमें किसी भी काम को पूरा मन लगाकर करना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग कोई भी गलती करने से डरते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करने जाएंगे तो हमसे कोई ना कोई गलती तो अवश्य ही होगी। और यदि आपसे कोई गलतियां नहीं हो रही, इसका अर्थ ये है कि आप कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं कर रहे और आप ना कुछ सीखना चाहते हैं और ना ही आप अपना विकास करना चाहते हैं। इसलिए गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए, तभी तो आपके जीवन का विकास हो पाएगा। हमारा ये जीवन हर क्षण बदलता जा रहा है, किंतु हम में से अधिकांश लोगों को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं, हमें इसका तनिक भी एहसास नहीं। हम कभी यह नहीं सोचते कि केवल एक एक पल के साथ हम अपनी मृत्यु के और करीब जा रहे हैं, लेकिन हमें उसकी तनिक फिक्र नहीं है। हम तो केवल जीवन की इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं। और एक मनुष्य यह भी भूल जाता है कि कौन सी सांस उसकी आखिरी सांस हो जाए, और जब अंतिम समय पर इन चीजों का हिसाब लगाया जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमने तो अपने जीवन को जिया ही नहीं। हमारे पूरे जीवन काल में केवल कुछ ही पल ऐसे थे जब हमने अपने जीवन को खुलकर जिया था, बिना किसी चिंता, बिना किसी डर, बिना मोह, लालच और हर भाव से आजाद होकर वो कुछ ही पल हमने अपने जीवन में जिए थे। और उनमें से अधिकांश पल तो हमारे बचपन के ही होंगे। बचपनों के दिन बीतने के बाद हमारे भीतर कई प्रकार के बदलाव आते हैं, और इस बात को तो हम सभी मानते होंगे क्योंकि हमने अपना बचपन जिया है और उन पलों के हम साक्षी भी हैं। लेकिन जरूरत तो है सही कर्मों की, कर्मों के बारे में सही ज्ञान होने की। जब आप कर्मों का सही ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो आपके भीतर का द्वंद्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और जब हमारे भीतर का वो द्वंद्व खत्म हो जाता है
तब सारी शंकाएं मिट्टी में मिल जाती हैं, और शंकाएं मिटने के बाद इंसान का एक नया जन्म होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज तक हमने अपना पूरा जीवन केवल शंकाओं में ही तो जिया है, जैसे कि मैं ये करूंगा, नहीं नहीं मैं ये करूंगा, अच्छा ठीक है मैं वो खरीद लूंगा, नहीं नहीं इससे अच्छा तो मैं उसे खरीद लूंगा, मैं इससे बात कर लूंगा, नहीं नहीं इससे अच्छा तो मैं उससे बात कर लूंगा। इसी प्रकार हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर विचार हमारा बांटा हुआ है, इसलिए हम कभी भी एक निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते, हमारा हर निर्णय अधूरा रह जाता है, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में कभी भी सफलता भी नहीं प्राप्त कर पाते। किंतु यदि आप एक बार ये समझ गए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आपके मन से वो सारी शंकाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और वो शंकाएं खत्म होने के बाद आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखिए, अपनी सोच और समझ को बढ़ाइए, अपनी बुद्धि का उच्चतम प्रयोग करें, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। किंतु एक बात और अवश्य ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में हर समय सही और गलत का निर्णय इतना आसान नहीं होता, क्योंकि असल दुनिया में सब कुछ इतना साफ भी नहीं होता, हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें अपनी सोच समझ, अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब आप इस पर निरंतर अभ्यास करते हैं तब जाकर के आपको कहीं समझ में आता है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। और यकीन मानिए, यदि आपने सही कर्मों की धार को पकड़ लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जीवन में केवल सही कर्म करने ही योग्य होता है। लेकिन दिक्कत तो यह है कि हम में से अधिकांश लोगों को सही कर्म का अर्थ ही नहीं पता होता। कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन परिणाम हर किसी को नहीं मिल पाता। परिणाम सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो परिस्थितियों के अनुसार सही कर्म करने का साहस दिखा पाते हैं, जो सोच विचार करके ये जान पाते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है और अलग अलग कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। जब एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से यह सब देख पाता है, तब उसके कर्मों के बारे में उसके सारे शंकाएं दूर हो जाती हैं, और तब धीरे धीरे उसे अपने अनुभव के कारण यह भी पता चलने लगता है कि जो भी कर्म वह कर रहा है या करने वाला है, वह कर्म किस श्रेणी का है। क्योंकि कर्मों की तीन श्रेणियां होती हैं, उच्चतम, मध्यम और न्यूनतम। जो व्यक्ति बिना किसी लालच, मोह या बिना किसी स्वार्थ के कोई निर्णय करता है, कोई कर्म करता है, तो ऐसा कर्म हमेशा उच्चतम श्रेणी में गिना जाता है। और जो इंसान दूसरों को दुखी करने के लिए अपने मोह, लालच और स्वार्थ के कारण करता है, वह न्यूनतम श्रेणी में आता है। अब आपको खुद आकलन करना होगा कि आप कर्म करते हैं तो वह किस श्रेणी में आता है, और अगर आपकी अंतरात्मा यह कहती है कि आपने जो भी कर्म किया है वह न्यूनतम श्रेणी का है, तो आप उसे सर्वोत्तम श्रेणी अर्थात उच्चतम श्रेणी में कैसे ला सकते हैं, ये आपको ही तय करना होगा। इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे, तभी आपका जीवन बदल पाएगा, वरना तो जीवन भर आपके कर्म ही आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपको परेशानी में डालते रहेंगे, आपको दुखी करते रहेंगे, आपके सामने तरह तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। आखिर में वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को ये समझाते हुए कहते हैं कि जो भी गलतियां करो होशपूर्वक करो, बेहोशी में नहीं, और होशपूर्वक होने के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही आपको सही मार्ग दिखाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए, और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों को भी एक सही मार्ग मिल चुका था, जिससे वो ये जान सके कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।